हेलो व्यूअर्स, आज हम बनाएंगे चीज़ी पोटैटो क्रोकेस। क्रोकेस बनाने के लिए जो चीज़ें हमें चाहिए वो कुछ इस तरह से हैं। हमने यहाँ पर चार बड़े साइज़ के आलू लिए हैं, जिसे बॉईल करके मैश कर लिया है। 1 टीस्पून ब्लैक पेपर, सॉल्ट टू टेस्ट, चाइनीज सॉल्ट ये ऑप्शनल है, मोज़ेरेला चीज़ जिसके स्लाइसिस यूज़ करेंगे, 1 अदद हम यूज़ करेंगे एग, 25 ग्राम बटर, 1/2 प्याली हरा धनिया, फ्रेश ब्रेड क्रम्स 1 कप। सबसे पहले एक बाउल लेंगे और इसमें ऐड करेंगे मैश पोटैटो। तमाम स्पाइसेस इसमें शामिल कर देंगे, साथ ही इसमें जाएगा बटर। तमाम मसालों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। आलू की हमने स्मॉल साइज की बॉल तैयार कर ली है। अब इसे हम इस तरीके से हाथ पे रखेंगे, हल्का सा प्रेस करेंगे और इसके सेंटर में चीज़ का स्लाइस ऐड कर देंगे। अच्छे से इसे कवर करेंगे और क्रोकेस तैयार करेंगे। क्रोकेस हमारे तैयार हो गए हैं। अब हम इसे अंडे के मिक्सचर में डिप करेंगे। अंडे को हमने 1 टेबलस्पून पानी के साथ फेंट लिया है। अब इसमें ब्रेड क्रम्स लगाएंगे। इसी तरह हम बाकी के क्रोकेस भी तैयार करेंगे। पहले एग में डिप करेंगे, उसके बाद इसे ब्रेड क्रम्स लगाएंगे। हमने एक पैन में ऑयल गरम कर लिया है। अब इसमें क्रोकेस ऐड करेंगे और मीडियम फ्लेम पे इसे शैलो फ्राई करेंगे। ये देखें कितना अच्छा इस पे कलर आ गया है। ये देखें बहुत अच्छा इस पे कलर आ गया है। अब हम इसे पेपर टॉवल पे निकाल लेंगे और बाकी के भी इसी तरीके से फ्राई कर लेंगे। क्रोकेस रेडी हो गए हैं, अब इसे सर्व कर देंगे। ये बहुत ही सिंपल सी रेसिपी है और खाने में बहुत ज़्यादा टेस्टी लगते हैं। इस रेसिपी को ट्राई करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।